Hello friends, welcome to the PK tutorial. Today we will discuss about how to get the missing value in a column of data frame in RStudio. So let's start. Firstly, we import our data in RStudio. DFN is your data frame, जो कि हमारा सो होगा environment part में df, जिसमें हमारे 10 object हैं और 7 variable हैं. देखते हैं कैसा है data. डेटा है हमारा 7 कॉलम का. एम्प्लॉय कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, जेंडर, सिटी और सेल. इसके अंदर हमें चेंज क्या दिखाई दे रहा है कि सैलरी और सेल के अंदर जो है हमारी एनए वैल्यू आ रही है, यानी कि मिसिंग वैल्यू आ रही है. तो अभी हमें इन मिसिंग वैल्यू को जो है किसी स्पेशल चीज़ में चेंज करना है. लाइक हमें ब्लैंक में चेंज करना है, जीरो में चेंज करना है, इनका मेन निकालना है या मीडियन निकालना है. तो वो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी कंडीशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं. तो ये हमने चार तरह की कंडीशन रखी है. पहली ये है रिप्लेस मिसिंग वैल्यू ऑफ कॉलम विद ब्लैंक, या तो ब्लैंक के साथ हो या जीरो के साथ में हो, ओनली फॉर वन कॉलम. और यही चीज़ हम कंप्लीट डेटा के लिए करके देखेंगे कि मान लो इसमें डिफरेंस क्या होगा, ये मैं आपको आगे बताता हूँ. यही चीज़ हमें मीन वैल्यू निकालनी है, जो रिप्लेस वैल्यू हो उसकी जगह मीन वैल्यू आ जाए, यानी कि जो टोटल कॉलम है उसकी जगह उसकी मीन वैल्यू आ जाए और इसमें मीडियन वैल्यू आ जाए. तो ये दोनों कैसे होंगे, जैसे सपोज दैट ये सैलरी वाला पार्ट है, हमें इसकी मीन वैल्यू चाहिए, तो इस कॉलम की हमें मीन वैल्यू यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे लिखी हुई आ जाए, और वैसे ही सेल के हमारी मीन वैल्यू क्या आ जाए और मीडियन वैल्यू क्या आ जाए, यहाँ पे लिखी हुई आ जाए. तो चलिए आइए देखते हैं कैसे होगा ये. सबसे पहले हमें एक डेटा फ्रेम दूसरी बनानी होगी, मैं उसको बना देता हूँ df1 के नाम से. तो इसमें क्या होगा कि मैं यहाँ पर लिख दिया, मैंने कमांड दे दी, तो df के अंदर जितना भी डेटा है वो df1 के अंदर चला जाएगा. जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो हमारी डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगी और सेम वैसी डेटा फ्रेम क्रिएट होगी जैसी कि हमारी df की थी. ये मैंने क्यों किया है, जिसे बार बार हमें अपनी फाइल को रीड कराने की ज़रूरत ना पड़े और मैं df का डेटा df1 में इम्पोर्ट करता रहूँ. अभी देखिए इसमें जो सैलरी वाला पार्ट है इसे मुझे ब्लैंक से कन्वर्ट करना है, यानी कि मिसिंग वैल्यू को मुझे ब्लैंक में चेंज करना है. तो मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले df1 लिख देता हूँ यहाँ पे. डॉलर किसको चेंज करना है, सैलरी वाले पार्ट को चेंज करना है. उसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमें लिखना होगा is.na. ये देखिए इस तरीके से लिखना होगा. जो हमने यहाँ पे df1 और डॉलर सैलरी लिखा था वही चीज़ हमारी यहाँ पे भी लिखनी होगी, df1 डॉलर सैलरी. अब आगे देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें जो भी वैल्यू लेके आनी है वो हम लेके आएंगे. जैसे हमें ब्लैंक लेके आना है, ब्लैंक के लिए हम क्या कर देंगे, डबल कोट में बंद कर देंगे. ध्यान रहे यहाँ पे स्पेस ना दें, स्पेस देंगे तो हमारे वहाँ पे भी स्पेस आ जाएगा. इसको मैंने रन किया df1 को, तो ये देखिए कि जहाँ जहाँ पे हमारी एनी वैल्यू थी वहाँ पे हमारा ब्लैंक आ गया है, और इसमें मैंने नहीं किया तो इसमें नहीं आया. अब मान लो मुझे करना क्या है कि इसकी जगह मुझे जीरो लेके आना है, तो मैं सिंपल सा क्या लिखूँगा, df1 डॉलर कॉलम का नाम किस में लेके आना है, सैलरी वाले में, is.na, और उसके बाद में df1 फिर से डॉलर सैलरी, और इस बार मुझे क्या लिख देना है, इसके इक्वल टू में मुझे जीरो लिख देना है. अब देखना क्या होगा, मैंने फिर से एक कोड रन किया और यहाँ पे रन किया इसको, तो यहाँ पे df1 में क्या आ जाएगा, हमारा जीरो आ गया है. 90,000 और 12,000 के नीचे क्या आ गया है, हमारा जीरो आ गया है. तो हमें ब्लैंक में चेंज कर लिया, जीरो में चेंज कर लिया. अब हमें करना है इसकी मीन वैल्यू निकालनी है हमें इसकी. तो मीन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम, df का डेटा df1 में लिया जो कि हमारा मिसिंग वैल्यू वाला डेटा था. अब df1 को लेने के लिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कोड लगभग सेम रहेगा, बस चेंज होगा यहाँ पे. हमें यहाँ पे क्या लिख देना है, मेन लिख देना है. मेन मैंने लिखा, उसके बाद में क्या लिखूँगा मैं, df1 डॉलर सैलरी, और यहाँ पे एक कमांड लगाऊँगा na.rm इजिकल टू ट्रू. ये na.rm क्या है, ये मैंने आपको एक वीडियो बनाया था उसमें कंप्लीट बताया हुआ है कि इन छोटे छोटे कमांडों का क्या यूज होता है. तो जैसे ही मैं इस na.rm को ट्रू कर दूंगा और इसको रन करूंगा तो हमारा जो df डेटा फ्रेम है उसमें हमारा आ जाएगा मीन वैल्यू आ जाएगी. 90,000 के नीचे 49,000 आ गया, यहाँ पे 49,000 आ गया. तो
तो ये इस कॉलम की जो है मीन वैल्यू आ गई है हमारे पास में। अभी हमें फिर से क्या करना है, मीडियन वैल्यू लेके आना है। इसके बाद में कौन सी वैल्यू लेके आएंगे हम, मीडियन लेके आएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MEDIAN, मीडियन। और यहाँ पे हम क्या लेके आए थे, यहाँ पे हम लेके आए थे मीन वैल्यू। ठीक है, ये लिख देता हूँ जिससे आपको समझने आसानी रहे। अब हमें लेके आना है मीडियन वैल्यू लेके आना है, तो हमें इस मीन की जगह क्या चेंज कर देंगे, मीडियन लिख देंगे यहाँ पे, मीडियन। ठीक है, और इसको रन कर देंगे। तो जो DF1 के अंदर हमारा जो डेटा आएगा उसके अंदर क्या आ जाएगा, इसकी मीडियन वैल्यू आ जाएगी हमें। ठीक है, ध्यान रहे हमें इसको दोनों को रन करना होगा साथ में। और यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, मीडियन वैल्यू आ जाएगी 27,500 और 27,500। पिछली बार क्या हुआ था कि मैंने उसको DF के डेटा को DF1 में इंपोर्ट कराना भूल गया था, तो ये गड़बड़ हो गई थी कि वो मीन वैल्यू ही उठा ली थी। ये जो मैंने किया है, ये मैंने किया है सिर्फ एक कॉलम के लिए। अभी अगर मुझे करना है कंप्लीट डेटा फ्रेम के लिए, मान लो हमारे DF डेटा फ्रेम है, इसमें बहुत सारे कॉलम जैसे सैलरी सेल और भी कुछ हैं कॉलम है, जैसे सिटी के अंदर ही ब्लैंक आ रहे हैं और किसी के अंदर ब्लैंक आ रहे हैं, तो उनमें मुझे एक कमांड लगानी है कि एनी की जगह हमारा क्या आ जाए, वैल्यू नॉट फाउंड आ जाए। ठीक है, सैलरी में भी आ जाए और इसमें भी आ जाए, सेल के अंदर भी आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, ये बार बार मैं डॉलर वाला साइन नहीं लगाऊंगा। इसके लिए सिंपल सा मुझे DF2 एक मैंने डेटा फ्रेम बना रहा हूँ, जो कि मैंने डेटा है DF में उसी से, तो इसको मैंने रन किया। यहाँ पे DF2 के अंदर हमारा डेटा आ गया, जो कि दो कॉलम के अंदर मिसिंग वैल्यू थी हमारी। अब इस DF2 को मैंने कोड लिखा, मैंने DF2 बड़ा वाला ब्रैकेट इज डॉट NA, जो कि NA है DF2, और इज इक्वल टू में लगा दिया मैंने VALUE वैल्यू नॉट फाउंड। ओके, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में यही डिफरेंस है कि हमने यहाँ पे पर्टिकुलर एक कॉलम पर काम किया है, DF1 डॉलर सैलरी। तो यानी कि एक DF डेटा फ्रेम है, उसके अंदर सैलरी कॉलम है, उसके अंदर मैंने काम किया है। और यहाँ पे मैंने क्या काम किया है कि पूरी कंप्लीट डेटा फ्रेम ले लिया मैंने, DF2 के लिए अप्लाई हो इज डॉट एनी, तो उसके आगे जो हमें कमांड यहाँ पे लिखते हैं वही चीज़ हमारे सामने आ जाती है। तो हमने इसके आगे क्या लिख दिया, वैल्यू नॉट फाउंड लिख दिया। अभी मैंने इसको रन किया तो क्या आएगा DF2 के अंदर, ये देखिए, जहाँ जहाँ भी हमारा ब्लैंक था या एनी वैल्यू थी उसकी जगह हमारा क्या आ गया है, वैल्यू नॉट फाउंड आ गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कि कैसे हुआ ये। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी कि हम इस डॉट एनी का यूज करके हम किसी भी मिसिंग या एनी वैल्यू को किसी पर्टिकुलर वैल्यू में कैसे ले सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।